युवाओं युवा इतने समझदार हैं कि जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, जो बिल्कुल आप जिसे कहेंगे टीनेजर भी है जी, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। आज उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम युवाओं को समझाएंगे तो ये हमारी गलत फहमी है। युवाओं के पास सारी जानकारी है, उन्हें ये पता है कि मुझे अपने देश के लिए क्या करना है, उन्हें ये पता है कि मेरा देश आज कहाँ खड़ा है, उन्हें पता है कि मेरे देश को किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उन्हें पता है कि मेरे देश को इस टाइम पे कैसी विदेश पॉलिसी की ज़रूरत है, उन्हें ये भी पता है कि मेरी सेनाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा नेतृत्व उपयुक्त रहेगा। तो आज युवाओं को मुझे लगता है कि वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो, अब तो युवाओं की बात करें, वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो, सोशल मीडिया का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, हर किसी का अपना विवेक है, हर किसी की अपनी समझ जो है वो है, उस समझ के हिसाब से ही लोग अपना योगदान देना चाहते हैं। आज 10:30-11 बजे को आए हैं, 10-11% अभी मतदान हुआ है, कैसे देखते हैं सामने? नहीं, मुझे लगता है कि अभी बढ़ेगा। देखिए, आपने देखा कि लंबी कतारें लगने होने वाली, तो बिल्कुल गर्मी के बावजूद, गर्मी को बीट करते हुए, इस हीट को बीट करते हुए भी लोग लंबी कतारों में खड़े हैं, और मुझे लगता है कि ये शाम पहुंचते और ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त पे, गर्मी के वक्त पे भी इतनी लंबी कतारें होंगी। तो जैसे सुबह एक मौसम थोड़ा अच्छा था, शाम को और अच्छा होगा, और अगर यही जो साइकिल चल रही है, अगर यही साइकिल बनी रही तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा हमारे को देखिए आप परसेंटेज ऑफ वोट यहाँ पर नज़र आने वाला। अपील करना चाहेंगे? अपील तो एक ही है, अपील एक आग्रह है, वो आग्रह यही है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश की मशीन जो प्रोपेल कर रही है उसको चलाने के लिए आप भी एक बटन जरूर दबाएं, उसके विकास के लिए, देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए, देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश में मजबूत नेतृत्व के लिए, उस मशीन को रुकने मत दीजिए। और उस मशीन को अगर आप चलाएंगे तो आगे आपके बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं उज्ज्वल होता हुआ नज़र आएगा।